हमारे साथ में केंद्रीय विद्यालय के टीचर श्री नीलेश भाई पांड्या उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जब मूल शिक्षण स्पर्धा जब शुरू हुई थी और हमने पहली बार जब स्कूल में अप्रोच किया उस समय उनका क्या विचार थे, और अभी जब यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ है तब उनको कैसा लग रहा है, क्या विचारों में अंतर आया है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। हरे कृष्ण, मैं नीलेश पांड्या केंद्रीय विद्यालय से। इस्कॉन से जब महानुभाव लोग आए और वैल्यू एजुकेशन और गीता की क्विज पर कंपटीशन की बात हुई तो हमें अच्छा लगा। आज जो है अच्छा एजुकेशन बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है, लोग बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे परसेंटेज प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मूल्य का ह्रास होता है समाज में, ऐसा लगता है। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें वैल्यू एजुकेशन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, और हमें अच्छा लगा कि इस्कॉन से महानुभाव आए और उन्होंने वैल्यू एजुकेशन की बात की और इस तरह की कंपटीशन की बात की तो हमें अच्छा लगा। और बच्चों में जब हमने बात की तो बच्चों को भी अच्छा लगा, बच्चों ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और क्विज में भी पार्टिसिपेट किया बच्चों ने। और गीता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ऐसा कहते हैं महानुभाव कि, और सच भी है ये कि जीवन की कोई भी समस्या हो या जब डिप्रेशन में हो या मनस्थिति ठीक नहीं हो तो कहीं ना कहीं गीता से जो है मार्गदर्शन मिलता है, और ये सच भी है। ये पूरा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ इससे हमें ये साबित हो गया कि सच में हमारे जीवन की, चाहे वो शैक्षिक समस्या हो या हमारे जीवन की सामाजिक समस्या हो, यदि हम गीता का ठीक से अध्ययन करते हैं और कृष्ण का जो ये ज्ञान है इनको हम समझते हैं तो वास्तव में जो आजकल आत्महत्या हो रही है, लोग डिप्रेशन में आके दवाई ले रहे हैं, ये सब यदि सब लोग इसको समझे, जाने, पढ़े तो सच में ये सारी समस्याएं जो है वो बहुत कम हो सकती है। हम समझते हैं कि विदेशी लोगों के पास क्या नहीं है, सारी भौतिक सुख सुविधाएँ उन लोगों के पास हैं, लेकिन फिर भी वहाँ लोग डिप्रेशन में आते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी करते हैं। और हम यदि गोकुल, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार या कहीं जाइए पिलग्रिम प्लेसेस में तो वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी हमें मिल जाते हैं जो कि वो आत्मशांति के लिए, सच्चे सुख के लिए भारत में आते हैं, गीता का ज्ञान और कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।